नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सुंदर राखियाँ बनाएंगे जिसे देखकर सभी को ऐसा लगेगा कि आपने ये राखियाँ मार्केट से ही खरीदी हैं। इसके लिए हमें ये रेडीमेड सामान मिलता है खरीदने के लिए। ओम, स्वास्तिक, महाकाल सब खरीद के हम ले आएंगे। ये मार्केट में बल्क में अगर आप खरीदते हैं सामान तो बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है। एक राखी की कॉस्ट आपको 5 से 6 रुपए आती है फ्रेंड्स। महाकाल वाली 15 रुपए तक की कॉस्ट में बन जाती है। चलिए हम राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ओम से स्टार्ट करते हैं राखी बनाना। पहले एक धागा लेंगे और ये इसके साइड में जो गैप बना हुआ है इसमें इसको इस तरह से भर देंगे और ऐसे लेके इसका नॉट लगा देंगे। धागे के कोने में थोड़ा सा फेविकॉल लगा लेंगे और इसको ऐसे मल लेंगे तो ये थोड़ा शार्प बन जाएगा, जिससे आप इसमें मोती आसानी से पिरो सकें। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हम मोती भर पा रहे हैं। इसमें सुई की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करके एक एक करके आपको जो भी मोती लगाने हैं आप अपनी पसंद के नग मोती लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का बनके तैयार है। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ में भी बना लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर राखी बनकर तैयार है। देखकर ही लग रहा है ना जैसे मार्केट से खरीदी है। अब हम दूसरी राखी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने रेशम के धागे से डोरी बना ली है। अब इस डोरी के एक कॉर्नर में थोड़ा सा फेविकॉल लगा के उंगलियों से हल्का सा रगड़ के इसे शार्प बना लेंगे। फिर इस डोरी को भी पहले कॉर्नर में इस तरीके से फंसा के एक नॉट लगा देंगे। ये देखिए, अब इसमें मोती डालेंगे। इसमें ऑलरेडी ये काफ़ी हैवी लग रहा है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा मोती नहीं डालेंगे। बस एक मोती डालेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर एक मोती डालेंगे और नॉट लगाएंगे। ये देखिए, बस दो ही मोती से कितना प्यारा लग रहा है। सेम दूसरी साइड में भी हमने बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी राखी रेडी है। अब हम बनाएंगे महाकाल वाली राखी। इसके लिए हम ये धागा ले लेंगे और इस धागे को स्केल के ऐसे लंबाई में 10 से 15 राउंड घुमा लेंगे। आपको जितना मोटा चाहिए आप उतना मोटा घुमा सकते हैं। इस तरीके से 10 से 15 राउंड घुमा लेंगे। अब इसे भी दो टुकड़ों में काट कर इसका एक टुकड़ा महाकाल के एक सिरे में लगा देंगे और दूसरा टुकड़ा दूसरे सिरे में लगा लेंगे और फिर मोती लगा देंगे इसमें। महाकाल के नाम वाली राखी बनके तैयार हो गई है। अब इसके दोनों सिरे पर एक एक गांठ लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे खाली मोती से राखी। ये मोती मैंने इयररिंग्स बनाने के लिए लाए थे, उनमें से ही कुछ बच गए हैं तो मैंने सोचा कि इनसे एक राखी बनाई जाए। Thank you.
सभी लोगों को बड़े बड़े पैटर्न के साथ पसंद नहीं आता। बहुत से लोग सिंपल राखी पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये मोती वाली सिंपल राखी। ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ मोती से भी कितनी प्यारी राखी बनकर तैयार है। ये देखिए, एक और बनाऊंगी मैं मोती वाली राखी। खाने का ये सामान किसी भी जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाता है। ये देखिए कितनी सुंदर राखी बनके तैयार है। अब मैं लास्ट स्वास्तिक वाली राखी बनाऊंगी। जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों को ये सिंपल राखी बहुत पसंद आती है। फ्रेंड्स, मेरे तीन भाई हैं और तीनों की चॉइस अलग है। किसी को एकदम सिंपल पसंद है, तो किसी को स्वास्तिक वाली राखी पसंद है, तो किसी को महाकाल वाली पैटर्न पसंद है। तो इसीलिए मैंने सभी के लिए अलग अलग पैटर्न की राखी बनाई। आपको इसमें से कौन सी पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड, 6 मिनट में 6 अलग अलग तरह की सुंदर राखियां बनाकर हमने तैयार कर दी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और ये राखी आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी राखी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।